नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जरा सोचिए, 14-15 साल की उम्र में एक लड़की क्या सोच सकती है। दिल में हजारों सपने, न जाने कितनी ख्वाहिशें और उम्मीदें नई उड़ान के लिए बेचैन होती। ये उम्र का वो पड़ाव होता है जब सारी बंदिशों और बेड़ियों को तोड़कर मन बागी हो जाता है। ऐसी ही एक लड़की की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपनी उम्र के पड़ाव में एक ऐसी डायरी लिखी जिसे जानने के लिए आज पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। इस डायरी में ऐसा क्या है जिसे पढ़ने के लिए लोग बेचैन हैं? दरअसल ये पर्सनल डायरी है रेना स्पीगल की, जिसे साल 1942 में नाजी सेना ने महज 18 साल की उम्र में मौत के घाट उतार दिया था। रेना स्पीगल का जन्म 18 जून 1924 में साउथ ईस्ट पोलैंड में हुआ था। रेना अपने माता पिता और 8 साल छोटी बहन एरेना के साथ रोमानिया के बॉर्डर पर रहा करती थी। छोटी बहन एरेना पोलैंड फिल्मों की बाल कलाकार थी। उस वक्त पोलैंड पर सोवियत रूस का कब्जा हुआ करता था। 1939 में जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो नाजी देश जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। रेना उस वक्त महज 15 साल की थी। इस युद्ध में बड़ी संख्या में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। चारों तरफ मौत का मंजर हुआ करता था और मौत भी ऐसी जिसे सुनकर रूह कांप उठे। अपने चारों तरफ हो रही हिंसा बर्बरता ने रेना के मन को अंदर तक हिला दिया था। इस दौरान वो किस तरह डरी सहमी रहती थी, उसको बयां करने के लिए रेना ने कागज और कलम का सहारा लिया। रेना ने ये डायरी 15 साल की उम्र से 18 साल की उम्र में लिखी। 700 पन्नों की इस डायरी में उस वक्त युद्ध के हालात और नाजुक उम्र पर पड़े इसके प्रभाव का बड़ी ही गहराई से वर्णन किया गया है। उसने जो लिखा है वो पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। युद्ध के हालातों का वर्णन करते हुए रेना लिखती है, 3 shots, 3 lives. All I can hear are shots, shots. रेना को शायद अपनी मौत का भी एहसास हो गया था। उसने अपनी डायरी में अपने आखिरी वक्त का भी जिक्र किया है। उसने लिखा है, Help me survive, and you, my dear mama, pray for us today, pray hard. रेना जब सिर्फ 18 साल की थी, तभी वो नाजी सेना की गोली का शिकार बन गई और उसकी मौत हो गई। रेना की मौत के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड ने रेना की डायरी को संभाल कर रखा। इस डायरी के आखिरी कुछ पन्ने रेना के बॉयफ्रेंड ने लिखे हैं, जिसमें रेना के पकड़े जाने और हत्या का जिक्र है। बाद में बॉयफ्रेंड ने इस डायरी को रेना की बहन और माँ को दे दिया, जो युद्ध के बाद अमेरिका में जाकर बस गए थे। कहा जाता है कि डायरी में उस वक्त के हालातों का इतना दर्दनाक वर्णन था कि माँ और बहन उसे पढ़ नहीं सकी और उन्होंने इस डायरी को न्यूयॉर्क के एक लॉकर में रखवा दिया। 60 साल तक ये डायरी पूरा दर्द खुद में समेटे एक लॉकर में बंद रही। लेकिन रेना की बहन की बेटी ने इस डायरी को पूरी दुनिया के सामने लाने का फैसला लिया और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया, फिर इसे बुक के तौर पर प्रकाशन के लिए दे दिया। बुक का प्रकाशन करने वालों का कहना है कि इतनी कम उम्र में रेना ने उन हालातों को बेहद संवेदनशीलता से समझा और लिखा है। ये किताब जब सामने आएगी तो युद्ध की वो कहानी एक बार फिर ताजा हो जाएगी। ये डायरी रेनास डायरी, अ यंग गर्ल्स लाइफ इन द शैडो ऑफ द होलोकॉस्ट के नाम से प्रकाशित हो रही है, जो 19 सितंबर को पूरी दुनिया के सामने होगी। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसी ही एक डायरी का प्रकाशन हुआ था। जर्मन यहूदी किशोरी एना फ्रैंक की डायरी पर बनी किताब आज भी दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है। इस किताब का नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और अब जबकि करीब 8 दशक बाद एक और डायरी किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आने वाली है, तो लोगों में इसको पढ़ने की बेचैनी साफ देखी जा सकती है।